नमस्कार प्रिय बच्चों, हम संवाद लेखन कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हमने कुछ नमूनागत संवाद लेखन किए हैं। आज हम एक और नया संवाद लेकर के आपके समक्ष हैं, तो आज हम शुरू करेंगे एक नया संवाद। देखिए, विषय है इसका नए विद्यालय में अपने पुत्र का दाखिला दिलवाने पर अभिभावक को प्रधानाचार्य के मध्य हुए वार्तालाप को संवाद के रूप में लिखना है हमें। आप एक अभिभावक और प्रधानाचार्य जी के बीच जो संवाद हो सकता है अपने पुत्र को लेकर के, वो हमें यहाँ लिखना है। तो आप खुद अपनी कल्पना शक्ति से सोच सकते हैं कि किस तरह का वार्तालाप होगा, उसे अपने मन में रखिए और उसे छोटे छोटे शब्दों के, छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा हम उसे लिख सकते हैं। और हमें पता है शिष्टाचार, सरल सुबोध भाषा और स्वाभाविकता, ना ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी हैं, जो तो जरूरी है ही। तो देखिए, अभिभावक सबसे पहले प्राचार्य महोदय के कक्ष में जाने से पूर्व आज्ञा लेनी ही होगी, तो यहीं से हम शुरू करेंगे। अभिभावक क्या कह रहे हैं? सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? प्रधानाचार्य, हाँ हाँ अवश्य आइए और काम बताइए। उनके द्वारा पूछा जाना और प्राचार्य महोदय के द्वारा आज्ञा दी जानी, और ये भी पूछा जाना कि किस कार्य से वे आए हैं, क्योंकि कार्यालय कार्य से ही आए होंगे। अभिभावक, मैं अपने बेटे का दाखिला इस स्कूल में कराना चाहता हूँ। उन्होंने अपना प्रयोजन बताया कि वो किस कार्य के लिए आए हैं। प्रधानाचार्य पूछ रहे हैं कौन सी कक्षा में? अभिभावक, 11वीं कक्षा में। उन्होंने पूछा और उन्होंने जवाब दिया कि 11वीं कक्षा में। प्राचार्य महोदय क्या बोल रहे हैं? देखिए, उसने 10वीं कौन से विद्यालय से उत्तीर्ण की है? पूर्व की जानकारी अपेक्षित होती है। अभिभावक, पब्लिक स्कूल राजौरी गार्डन से। उन्होंने स्थान विशेष का नाम लिया कि वहाँ से उन्होंने जो है 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की है। प्रधानाचार्य, तुम अपने बच्चे को पब्लिक स्कूल से यहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते हो, ऐसा क्यों? तो किसी तरह से वार्ता हमें जो है और अधिक पुख्ता करनी है, और अधिक समृद्ध करनी है, तो इस तरह का ही एक मोड़ हम ले सकते हैं कि जो बच्चा है वो पब्लिक स्कूल से है और अब सरकारी स्कूल में आ रहा है। तो आमतौर पे लोग ऐसा नहीं करते हैं, तो ऐसी बातचीत हो सकती है। अभिभावक, मैंने इस स्कूल का नाम सुना है, यहाँ पढ़ाई की उत्तम व्यवस्था है और खर्च नाम मात्र का भी नहीं है। यह पब्लिक स्कूल वाले तो हमें लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ते, जो कि हम वर्तमान समय में देखते भी हैं कि पब्लिक स्कूल जो हैं वहाँ पे जो है पढ़ाई के नाम पर बहुत लूट मची हुई है। तो इस तरह की बात हो सकती है। प्रधानाचार्य, आपके बेटे की 10वीं कक्षा में कितनी CGP है? अभिभावक जी, 8.5 CGP। प्रधानाचार्य, आप दाखिला कहाँ चाहते हैं? विज्ञान, कॉमर्स या कहने का मतलब आर्ट्स? तो क्योंकि 11वीं कक्षा में ये तीनों वर्ग जो हैं, तीनों संकाय होते हैं और ये स्वाभाविक है प्राचार्य महोदय के द्वारा ऐसा पूछा जाना। अभिभावक, मुझे विज्ञान वर्ग में दाखिला दिलवाना है। प्रधानाचार्य, आप कमरा संख्या 15 में मिस्टर शर्मा से मिल लीजिए। तो अब प्राचार्य महोदय से जो जितनी बातचीत अभिभावक की इस विषय पर होनी चाहिए थी वो इतनी ही हो सकती थी। इसके बाद जो प्रवेश प्रक्रिया देखते हैं, उन अध्यापक से मिलना जरूरी हो जाता है, तो उन्होंने उनका नाम इसमें बता दिया है कि मिस्टर शर्मा से मिल ले। अभिभावक जी धन्यवाद, उन्होंने जो है उनका धन्यवाद ज्ञापित किया। तो बातचीत हमें बिल्कुल स्वाभाविक सी और कहूँ कि बिल्कुल भी कृत्रिमता से रहित लग रही है। तो आप भी इस प्रकार से संवाद लेखन का अभ्यास करें। धन्यवाद।